हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गाना के क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के मैट्रिक्स के आगे के क्वेश्चंस, आगे के प्रॉब्लम्स को क्लियर कराऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड फ्रेंडों को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्स ऑपरेशंस, इसमें कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं इसकी शॉर्टकट में मेथड भी बताऊंगा एंड लॉन्ग मेथड दोनों बताऊंगा। बट आपको मैं पहले लॉन्ग मेथड बताता हूं कैसे इसको करते हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप उस आंसर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो आंसर है मेरा वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पहले बताता हूँ इसकी कंडीशन मेरी क्या बनती है। वो कंडीशन मेरी ये बनती है, ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए। ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स है कोई, ये भी ए कोई मैट्रिक्स है। ये ए है जो वो मेरा मैट्रिक्स गिवन आउट होगा, ये मेरा क्या होगा उसके साथ में कॉपी होता रहेगा, नोट डाउन होता रहेगा। एंड आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स ये कि जैसे मेरा कोई ए मैट्रिक्स का ऑर्डर टू मल्टीपल टू का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, टू मल्टीपल टू होगा। एंड ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा टू मल्टीपल थ्री है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, टू मल्टीपल थ्री होगा। यानी जो ऑर्डर मेरे को क्वेश्चन में गिवन ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इसका एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, उसको दिया हुआ है 2 1 1। ठीक है, यानी मेरा दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 1 एंड 1। ठीक है, ये मेरा कोई एक मैट्रिक्स गिवन आउट है। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। हमने बताया था कि डायरेक्ट में फॉर्मूले का यूज करता हूँ, यानी ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, मैं ए के प्लेस में ए की वैल्यू लिखता हूँ, यानी 2 1 1 1। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बताऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमने बताया था अभी लास्ट में कि जो ए मैट्रिक्स दिया होगा या गिवन आउट होगा उसके ही ऑर्डर का होगा। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, क्या बताया मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। एंड ये मैंने क्या बताया था, ए मेरा यही इसी के साथ चलेगा, कॉपी होता रहेगा, नोट डाउन होता रहेगा। एक और चीज मैं इसे क्लियर करता हूं कि कभी भी मेरा कोई, सपोज मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके चलता हूं 1 0 0 1। ठीक है, तो ये मेरा कोई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस टाइप में कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे जिससे कि आपका आंसर रॉन्ग ना हो सके, एक ही बार में क्वेश्चन आपका क्लियर हो सके। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, ए वन वन के प्लेस पे क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। उसके बाद ए टू वन के प्लेस पे क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ये करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, 1 करेंगे ए टू टू पे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को लाना क्या है, अगर एक मेरा कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा उसको हमको इस फॉर्म में चेंज करना है। इधर क्या हो रहा है, जो इस टाइप कंडीशन लगेगी उस साइड भी कंडीशन सेम साइड लगेगी, यानी दोनों साइड वही कंडीशन को यूज करेंगे। उसके बाद अगर इसके कंडीशन हम लाएंगे, ये लाने के लिए इस पे कंडीशन जो लगाएंगे वो इस पे भी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा, यानी 0 होगा, वहां 2 हो सकता, 4 हो सकता, वैल्यू के एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो यहाँ इससे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, ए इनवर्स पूछा गया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ, इस पे कंडीशन लगाता हूँ। तो हम पहले क्या बताया, पहले हम ए वन वन को क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो ए वन वन को जब हम 1 करेंगे तो क्या करेंगे, आर वन यानी 2 1। इसमें एक चीज और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कि इस पे हम क्वेश्चन में हमेशा 99% क्या करते हैं, पहले हम रो ही को सॉल्व करते, कभी कॉलम को लेके नहीं चलते। यानी हम जैसे कोई आर वन पे कंडीशन लगाएंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, आर वन पे अगर हमने आर टू माइनस आर वन किया
एंड अगर सपोज हमने आर टू भी किया, आर वन माइनस आर टू कोई भी कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इस टाइप में ही कंडीशन को नोट डाउन करेंगे, जो हमने उसको करेंगे यानी आर वन माइनस आर टू करेंगे, आर वन प्लस आर टू करेंगे, जिस पे करेंगे उसको हम नोट डाउन करके क्लियर जरूर लिखेंगे, जिससे कि आपका फुल मार्क्स मिल सके। ये कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका ऑर्डर 3 × 3 का इसी के आगे मैं बताऊंगा, उसमें 6 नंबर का मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्लास 12th में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, आर वन में क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू कर देंगे, यानी अगर हम रो वन पे क्या करें, रो वन का माइनस कर दे रो टू से, तो यानी यहां मेरा क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा 2 − 1 यानी 1, एंड इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 − 1 क्या होता है 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1 का 1 ही रहेगा इज इक्वल टू, अगर हमारा आर वन यानी इस पे क्या होगा 1 − 0 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, एंड इसी तरह इस पे होगा तो क्या आएगा −1, एंड यहाँ पे क्या होगा 0 and 1, एंड यहाँ पे क्या हो गया मेरा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें क्या करना है 0 करना है, बताया था, यानी इस पे हमें क्या करना है 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आर टू पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इस पे अगर हम सपोज इसको माइनस कर दें यानी आर टू माइनस आर वन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या किया मैंने, आर टू पे आर वन आर टू माइनस आर वन किया, तो यानी क्या होगा, पहले हम आर वन लिख ही लेते हैं, ठीक है। इस पे हम अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, अगर उसी तरह आर टू माइनस करेंगे यानी 1, ठीक है, तो ये मेरा क्या आया 1 आया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आर वन पे मैं कुछ नहीं करना, यानी 1 − 1 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 and 1, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी आर टू या 0 − r1 तो यानी हो जाएगा −1, एंड इसी तरह इसमें होगा क्या होगा 1, एंड यहाँ −− प्लस हो जाएगा यानी 2a, ठीक है 2a, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये मेरा क्या हो गया, a इनवर्स हो गया, यानी a इनवर्स की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो गई, वो क्या आई 1 − 1 and 1 − 1 and 2, ये क्या हुआ मेरा आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और चीज बताता हूं, आंसर कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, आंसर वेरीफाई करने के लिए ये जो मेरा होगा यानी ये पार्ट जो होगा वो मेरा चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 था तो ये मैं 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, एंड ये मेरा 1 कहाँ होगा यहाँ पे होगा, इतनी चीज क्लियर। अब हम क्या बता रहे हैं कि इसके जो साइन होंगे आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी जो मेरे प्लस में होंगे वो प्लस में रहेंगे, माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के रहेंगे वो प्लस के हो जाएंगे। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्मूले इस का हम यूज करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे बताता हूँ इसी के आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसे कैसे करते हैं ये हम बताते हैं आपको। पहले मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, बताया स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे हम सॉल्व करते हैं इनवर्स फॉर्म, एंड अब मैं बताऊंगा कि मेरा कोई ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 3 का ऑर्डर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं पहले कंडीशन वाइज लगाऊंगा, यानी a i a = i a, कंडीशन में वाइज लगाऊंगा, बट मैं इसको सॉल्व करने का मैथड जैसे मैंने बताया था वैसे मैं एक बार मैथड बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं लेक्ट कर देता हूँ तो समझाने में तो आपको इजी होगा, 0 1, तो अभी हमने क्या बताया था कि कैसे किसी मैट्रिक्स को 0 करते हैं यानी 1 करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताया था। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक हम ऐसे सेम करेंगे जैसे अभी लास्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में किया था, फिर इसके बाद हम इसको करेंगे, इसको ना करके हम क्या करेंगे इसको सॉल्व 1 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको 0 करेंगे, फिर इसको हम करेंगे 1, एंड फिर हम इसको करेंगे 1, एंड इसको फिर हम करेंगे सॉल्व यानी इसको हम फिर करेंगे। यानी हमने क्या बताया
कि अगर कोई मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ फिगर को, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जिससे फिगर में एक बार फेस बना देता हूँ। यानी मेरा ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ कोई मेरा मैट्रिक्स ऐसे दिया होगा, तो हम पहले कैसे किसको वन बनाएंगे, इस पार्ट को यानी A1 को वन बनाएंगे, इसके बाद हम इसको वन जीरो बनाएंगे, इसको हम जीरो बनाएंगे, मतलब ये स्टेप मेरा चलेगा, पहले हम इसको वन बनाएंगे, उसके आफ्टर जीरो को बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको जीरो बनाएंगे, ठीक। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको ना करके हम क्या करेंगे, पहले इसको वन बना देंगे, जीरो के बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले वन बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जीरो बनाएंगे, एक एक स्टेप चलेंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरे गारंटी है। एंड एक सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन इसमें क्यूब थ्री मल्टीपल थ्री का जो वजह होता है, उसका जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पहले इसको हम वन करेंगे, उसके बाद आफ्टर यहाँ पे हम इसको जीरो करेंगे, उसके आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको हम वन करेंगे, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, एंड फिर हम इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया वही ठीक आप यूज कर रहे हैं, बट इस पे क्या है, थोड़ा सा ये चेंज हो गया, यानी यहाँ इसके बाद इस जीरो के ना होके इस वन पे पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, कंडीशन लगाएंगे, वैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं आइए। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, मेरा ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में लिखता हूँ 2 - 3, आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ब्लैक बोर्ड में आना भी जरूरी है, 3 - 2 and 2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस ज़्यादा मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है, आई इज इक्वल टू मेरा क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड ए मेरा वैसे मैंने बताया जैसे कॉपी होते हुए आया था, वैसे ही कॉपी होते हुए आएगा। अब इस पे हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या लगेगी, R1, मैं इधर लिख दे, इसी में लिख देता हूँ, R1 पे क्या करेंगे, R1 - R3 कर देंगे, R1 - R3 करेंगे, इसलिए करेंगे। इस पे एक और कंडीशन होती है, मैं इन इसके बाद वन करने के बाद इनको जीरो कर देते, इसलिए कि इस जो वन में है कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ये भी एक कंडीशन है, इसको भी ध्यान देना है। ये जो कंडीशन बता है इसको तो फॉलो करना है, बट उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में लिखी हुई है, R1 पे क्या करेंगे, R1 - R3 करेंगे, यानी R1 ये है, इस पे हमें क्या करना है, R1 - R3, यानी 2 - 2 - 3 क्या होगा, -1, 2 - 3 क्या होगा, -1, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ, -1 हुआ, इसके बाद -3 एंड प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होगा, तो -3 एंड प्लस का 2 कितना हो जाएगा मेरा, -1 होगा, ठीक है। यहाँ भी कितना हो जाएगा, -1 होगा, इसके बाद यहाँ भी क्या होगा, 3 - 2 1 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो नीचे वाला एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, वैसे ही नोट डाउन कर देंगे, 2 3 and 3 - 2 and 2, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमने बताया था अभी स्क्वायर मैट्रिक्स जब सॉल्व कर रहे थे इनवर्स फॉर्म में, तो जो कंडीशन LHS पे लगाई वही हम क्या करेंगे, RHS पे लगाएंगे। तो कहिए हम क्या करेंगे, तो यहां पे मेरा बनेगा क्या, 0 - 1 आएगा, एंड इसी तरह इस पे 0 0 - 0 आएगा, इसी तरह यहां पे होगा तो क्या आएगा, -1, एंड यहां पे जैसा मेरा वैसे ही आएगा, क्योंकि यहां पे हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया हुआ है, एंड ये मेरा क्या होगा, ए होगा। अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, सेकंड कंडीशन ये लगाएंगे, R2 + 2 R1 करेंगे, क्या करेंगे, R2 + 2 R1 करेंगे,
आर टू करेंगे, ठीक है, सॉरी आर वन करेंगे, यहाँ पे हमने आर टू लिख दिया होगा। क्या करेंगे, आर टू पे आर टू प्लस टू आर वन करेंगे, तो यानी हम क्या करते हैं, पहले हम आर वन को लिख देते हैं वैसे ही, तो यहाँ मेरा क्या होगा, माइनस वन माइनस वन वन, ठीक है। अब मेरा आर टू की बात हो रही है, तो आर टू पे क्या होगा, आर टू प्लस टू आर वन, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा जीरो, एंड इसी तरह यहाँ पे होगा आर टू एंड टू प्लस टू आर वन, यानी माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मेरा जीरो होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा फाइव, इतनी चीज क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज होगा, नीचे जो मेरा है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आर थ्री पे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा मेरा, वैसे ही हम आर वन को लिखते हैं, यानी वन जीरो माइनस वन, एंड इस पे क्या होगा, इस पे हमने बताया आर टू यानी ये जीरो प्लस टू आर वन, आर वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का टू होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा वन, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस का टू। ये आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने अभी हल्का सा हिंट लेके किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे कंडीशन क्या लगाएंगे, थर्ड कंडीशन, यानी अभी हमारी कितने कंडीशन लगी हुई है, दो लगी हुई है, अब हम लगाएंगे आर थ्री पे, आर थ्री पे क्या लगाएंगे, आर थ्री प्लस थ्री आर वन। अभी हमने क्या कंडीशन लगाई थी, आर टू में आर टू प्लस टू आर वन, अब हम कंडीशन लगाएंगे आर थ्री पे आर थ्री प्लस थ्री आर वन, तो हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेम लिख देंगे, यानी वन माइनस का वन वन एंड जीरो एंड जीरो एंड फाइव। अब आर थ्री, आर थ्री की बात हो रही है, तो आर थ्री पे क्या होगा, आर थ्री यानी थ्री प्लस थ्री आर वन, यानी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आर थ्री क्या है मेरा, माइनस टू, एंड माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री, आर थ्री में माइनस टू एंड माइनस का थ्री, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का फाइव। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा आर थ्री पे टू माइनस प्लस थ्री, यानी फाइव प्लस का, इतनी चीज की देर, और ये यहाँ पे मेरा आर वन है, आर टू मेरा सेम रहेगा, यानी वन जीरो माइनस वन टू वन माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा, आर थ्री पे मेरा हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा मेरा थ्री, एंड यहाँ पे बनेगा जीरो, एंड यहाँ पे बनेगा मेरा माइनस का टू, इतनी चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, ए बनेगा। क्या लगाएगा कंडीशन आर थ्री पे, ये अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को लगा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम आर वन माइनस आर टू करें, आर टू माइनस आर थ्री करें, आर वन प्लस आर टू करें, कोई बाउंडेशन नहीं, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आगे स्टेप को फॉलो, यानी अब हम कंडीशन ये लगाएंगे कि माइनस आर वन कर देंगे, यानी आर वन पे क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, आर वन पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेरा वन वन माइनस वन, एंड इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जीरो, ऐसे ही रहेगा, एंड जीरो माइनस फाइव रहेगा, फाइव रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर हम क्या करेंगे, माइनस वन जीरो, एंड यहाँ प्लस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा, टू वन माइनस टू थ्री जीरो माइनस टू। इस पर हम क्या करेंगे, आर टू पे आर टू पे आर टू माइनस आर थ्री कर देंगे, आर टू पे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्या आर टू के प्लेस पे लिखेंगे आर थ्री के प्लेस पे लिखेंगे आर टू, तो करिए, तो यानी वन वन मैंने आर वन के प्लेस वैसे ही रहेगा,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो माइनस फाइव एंड यहाँ क्या हो जाएगा फाइव एंड यहाँ पे हो जाएगा जीरो जीरो फाइव ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा मेरा माइनस वन जीरो एंड वन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा थ्री जीरो माइनस टू टू वन माइनस टू एंड यहाँ पे क्या है मेरा ये चल रहा है। अब हम क्या करेंगे आर टू पे डिवाइड करेंगे किसका फाइव का तो यहाँ मेरा क्या बनेगा इसको मैं थोड़ा पास में लिखता हूँ यहाँ पे बनेगा मेरा आर वन वन माइनस वन एंड यहाँ पे बनेगा जीरो एंड यहाँ पे अगर हम आर टू पे क्या करेंगे फाइव का डिवाइड करेंगे किस पे करेंगे आर टू पे इधर मैं लिख देता हूँ आर टू पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने बोला हुआ है आर टू पे आर टू अपॉन फाइव करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस वन इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन एंड यहाँ होगा जीरो जीरो एंड फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा मेरा अब यहाँ पे होगा इसी तरह माइनस वन जीरो वन एंड ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव ध्यान दीजिएगा थ्री अपॉन फाइव जीरो माइनस टू अपॉन फाइव एंड यहाँ पे क्या होगा टू एंड वन एंड माइनस टू इसी तरह एक बार हम क्या करेंगे आर थ्री पे क्या करेंगे फाइव का डिवाइड करेंगे तो मैं यहीं पे करता हूं तो आर यहाँ पे ए मेरा साथ में चलेगा तो यहाँ पे मैं करता हूँ सॉल्व आर थ्री पे करना है डिवाइड वन वन माइनस वन एंड जीरो एंड माइनस वन एंड वन एंड जीरो जीरो एंड फाइव का डिवाइड किया क्या कंडीशन आई फाइव का अगर हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके आगे यहाँ पे होगा मैं थोड़ा सा इसको रेस करता हूँ फिर मैं लिखता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा मैं कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ आर थ्री पे आर थ्री अपॉन फाइव किया तो यहाँ पे क्या हो गया वन आया ठीक है एंड इज इक्वल टू तो मेरा चलेगा तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं मैं इसको कंडीशन को यहाँ पे लिख देता हूँ तो आर थ्री अपॉन फाइव ये आपको दिख रहा होगा कट गया हो कोई बात नहीं आर थ्री में आर थ्री अपॉन फाइव करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ वन आया अब इसी तरह हम इस पे करेंगे वन एंड जीरो एंड यहाँ पे हो जाएगा वन ठीक है एंड यहाँ पे क्या होगा थ्री अपॉन फाइव एंड यहाँ जीरो माइनस टू अपॉन फाइव एंड इसी तरह यहाँ पे हम करें तो क्या होगा टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन फाइव एंड माइनस टू अपॉन फाइव इतनी चीज क्लियर हो गए हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन लग रहा होगा बट आप कॉपी में जब करेंगे तो काफी इजी लगेगा ठीक है वीडियो को पूरा इंजीनियर देखिए तो आपको बेटर समझ में आएगा एंड इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम कंडीशन ही लगाएंगे आर वन पे आर वन माइनस आर टू यानी हम कंडीशन लगाएंगे आर वन पे आर वन माइनस आर टू आर वन पे यानी यहाँ पे क्या करेंगे इस पे हम ये माइनस कर देंगे तो यहाँ मेरा वन आएगा इसी तरह इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर वन मानी ये यानी ये एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा माइनस का टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा यानी यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे प्लस का होगा यहाँ पे क्या होगा माइनस का वन होगा क्वेश्चन आप जब क्लियर लगाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है मैं आगे क्वेश्चन को करता हूँ यानी आर वन माइनस आर टू ठीक है अब इसके बाद आफ्टर इसके आफ्टर में क्या करूंगा इसको यहाँ पे हो जाएगा जीरो एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जीरो यहाँ पे किसका प्लस का वन होगा ठीक है जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हुआ वन एंड यहाँ पे हुआ वन ठीक है यहाँ पे हुआ जीरो यहाँ पे हुआ जीरो एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा वन इज इक्वल टू इस पे जो माइनस करने पे आएगा वो मैं नोट डाउन करके लिखता हूँ नोट डाउन करके वो क्या आएगा मेरा वो ये आएगा मेरा माइनस का वन जीरो एंड वन एंड इसी तरह यहाँ पे मेरा बन जाएगा टू अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव एंड टू अपॉन फाइव ये मेरा किसका बनेगा माइनस का बनेगा ठीक है एंड टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन फाइव
एंड माइनस का 2/5, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा बनेगा, मैं थोड़ा देख के इसलिए कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन काफी मुझे लंबा हो रहा है, तो मैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे, R2 में R2 प्लस R3 करेंगे, तो ये मेरा लास्ट आंसर मेरा क्या बनेगा, वो ये मेरा बनेगा 100 एंड 010001, ठीक है, ये मेरा बनेगा। आप करेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, मैंने स्टेप क्लियर आपको करा दिए हैं, कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे तो बेटर होगा। 0 3/5 0 1/5 एंड 0 2/5 एंड 1/5 एंड माइनस का 2/5, ठीक है, एंड ये ए। तो यहाँ ए इनवर्स की अगर हम बात करें तो ए इनवर्स मेरा क्या आएगा, -3/5 0 3/5 and 0 1/5 and 0 and 2/5 and 1/5 and 2/5। ये क्या हुआ आंसर हुआ, आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम क्या करें, अगर इसको हम वेरीफाई कर कैसे करते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मेरा ये ए एंड ए डैश का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ये फॉर्म मेरी बन के आएगी। अगर ए एंड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आ जाएगा, तो ये आंसर मेरा क्या होगा, राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। ये स्टेप आपको क्वेश्चन में पेपर में करने में ये फायदा होगा कि आपको ये आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है, इससे आपको क्लियर होगा। तो आज मैंने इनवर्स मैट्रिक्स को फिनिश कर दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, बस मैंने मेथड को बता दिया, आप मेथड को जो फॉलो करेगा उसका बेनिफिट इसको मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शुक्रिया।